नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के जाने माने कलाकारों से और युवा कलाकारों से भी। आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो यूं तो भारत से बाहर रहती हैं, लेकिन उनकी रग रग में बसा हुआ है भारतीय शास्त्रीय संगीत। इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर अतरौली घराने की बेहद युवा और बेहद प्रतिभाशाली कलाकार सायली ओक से। सायली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और रागगिरी के सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत। तो सायली, आपका रागगिरी में बहुत बहुत स्वागत है। और लॉकडाउन सीरीज जब शुरू की थी इंटरव्यूज की, तब से एक परंपरा रही है कि हम गुजारिश करते हैं अपने मेहमान से कि वो कोई भी भजन के साथ अपने इंटरव्यू की शुरुआत करे। तो सबसे पहले तो यही गुजारिश करूंगा कि कोई एक भक्ति रचना जो आप हमें सुनाना चाहें। वाह, क्या बात है सायली। हम इस इंटरव्यू को जब भी करते हैं, कलाकारों से मुलाकात करते हैं, तो हमेशा एक सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं बातचीत की। तो हम भी इस इंटरव्यू में भी यही जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत सफर था, जो बचपन में संगीत आपसे जुड़ा, वो कैसे जुड़ा, किन परिस्थितियों में आपने संगीत सीखना शुरू किया था। मेरा म्यूजिक एजुकेशन हारमोनियम के साथ शुरू हुआ। तो मैं जब 3 साल की थी तभी मेरे चाचा जी ने मुझे एक छोटा कीबोर्ड गिफ्ट किया था, और उस पर मैं पहले तो सिर्फ खेलती थी, लेकिन हमारी बाजू वाली जो नेबर आंटी हैं वो आके थोड़ा बहुत कुछ मुझे सिखाना शुरू हो गया। तो वो कुछ सारेगा बजाती थी तो मैं एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट कर सकती थी। तो फिर आई बाबा ने भी बोला हम लोग इसको क्लास शुरू करते हैं। फिर मैं महाजन सर थे उधर लोकली जो सिखाते थे, उनके यहाँ हारमोनियम तो खैर पहुंच भी नहीं पाती थी, कैसियो ही सीखना शुरू किया। और फिर कुछ साल तक कैसियो, फिर हारमोनियम। जैसे पहुंच पाई हारमोनियम बजाने के लिए मेरा कद जितना हो पाए, तो उसके बाद हारमोनियम सीखना शुरू किया। और स्कूल में भी फिर मैं सबके साथ हारमोनियम बजाती थी। कोई 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई स्वागत गीत हो, जो सबके साथ हारमोनियम। और मेरी स्कूल की टीचर थी, शी यूज्ड टू इंसिस्ट कि जो बजा रही हो वो गाओ भी, तो एक तो गाना भी सीखना हो जाएगा और जो अकम्पेनिमेंट है वो भी ज्यादा बेहतर होगी कि एग्जैक्टली जैसे गा रहे हो वैसे हाथ से निकलेगा।
तो उस सिलसिले में गाना शुरू हो गया तकरीबन थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में। और फिर ऐसे ही गा लेती थी, जो हारमोनियम और गाने की जो गांधर्व की एग्जाम्स हैं वो भी उस काफी पैरेलल चलती हैं, तो वो भी 3-4 एग्जाम्स दे दिए। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद देयर केम अ पॉइंट, स्पेशली जब मैं अश्विनी ताई से सीखने लगी, तो टू चूज कि सीरियसली आगे क्या ज्यादा डीपली जाके सीखना है और करना है, तो फिर मैंने गाना चूज किया। हम जानते हैं कि आप महान गायिका हैं, अश्विनी भिड़े देश पांडे जी की शिष्या हैं, लेकिन उन पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन उनसे पहले वो कौन से गुरु थे, वो कौन से कलाकार थे जिनसे आपने संगीत की बारीकियां सीखी हैं? तो हम पहले खोपोली में रहते थे, फिर पनवेल में रहते थे। सो उस सिलसिले में मैं पहले महाजन सर, जोग सर, तलेकर मैडम, इनके पास सीखती थी। और फिर जब मिडिल स्कूल में आई तो कुलकर्णी मैडम और सामंत सर जी के पास गाना और हारमोनियम सीखना शुरू हो गया, और फिर काफी लंबे अरसे तक उनके यहाँ सीखती रही। और अबाउट 10th स्टैंडर्ड और के बाद मुझे अश्विनी जी का गाना बहुत अच्छा लगता था, तो उनसे सीखने की बहुत इच्छा थी। तो 10वीं की एग्जाम के बाद में मैंने उनसे सीखना शुरू किया। और फिर 17 साल की उम्र में आपने तो ऑल इंडिया कंपटीशन जीत लिया था। क्या था वो तजुर्बा, कहाँ हुआ था वो कंपटीशन, जरा बताइए उसके बारे में। ये अवार्ड्स मिले थे तो खुशी तो जरूर हुई थी। आई थिंक जस्ट आउट ऑफ माई टीन्स मे बी, कि जब ये अवार्ड मिला था और फिर इतने बड़े बड़े नाम। लेकिन खुशी से ज्यादा आई थिंक इट वॉज मोर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें संगीत को आगे बढ़ाना है और ये जो परंपरा है उसके कितनी बड़ी और गहरी परंपरा के हम भी एक हिस्सा हैं, और हमें इसे आगे ले जाना है, इसे बढ़ाना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। चूंकि आपके अचीवमेंट्स की बात हो रही है और कम उम्र में जो अचीवमेंट्स हैं आपके उनकी बात हो रही है, तो ये भी बताना जरूरी है कि आपको पंडित जसराज जी के नाम से जो अवार्ड मिलता है वो अवार्ड मिल चुका है, पंडित वसंत राव देश पांडे जी के नाम से जो अवार्ड मिलता है वो मिल चुका है। तो ये दोनों अवार्ड, मतलब ये दोनों ही कलाकार जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के बेहद दिग्गज कलाकारों में इनकी गिनती है। तो क्या कुछ याद आता है, कैसे ये अवार्ड मिला था, क्या प्रस्तुत किया था आपने उस दिन, हमें बताइए। ये अवार्ड्स एक्ट एज एन एनकरेजमेंट, स्पेशली आजकल के ये सिचुएशन में कोविड लॉकडाउन्स के वजह से मुलाकात हो नहीं पा रही है, लाइव म्यूजिक नहीं हो रहा है, तो तभी कभी कभी ये डिप्रेशन आता है कि ये सोचना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों गा रहे हैं, एंड एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज वन टाइम और दी अदर। लेकिन तभी ये जो अवार्ड्स होते हैं या ये जो एनकरेजमेंट होता है, आशीर्वाद होते हैं बड़ों के, दे ऑलवेज हेल्प यू मेक द राइट चॉइस एंड कीप इट गोइंग नो मैटर वॉट। इस इंटरव्यू को आप दूसरे चरण में ले जाएं, उससे पहले एक बार गुजारिश करेंगे कि कोई बंदिश, कोई राग जो आप हमें सुनाना चाहें। बदरवा बैरी जाए जाए।
बाबरी जा रे जा रे जा बदरवा जा इतनो मोरा संदेशा ले जा रे जा बदरवा बरी जा रे जा बरी जा रे जा बरी जा रे जा बदरवा तो शायरी जैसा हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप महान गायिका अश्विनी जी की शिष्या हैं, तो एक तो किस तरह से शुरुआत हुई थी, किस तरह से उन्होंने आपको तालीम देने का फैसला किया, किस तरह आप उन तक पहुंची, ये पहले हमें बताइए। अश्विनी ताई से मैंने सीखना शुरू किया जब मैंने 10th की एग्जाम पास कर ली थी और फिर पनवेल से बांद्रा जाके उनके यहाँ क्लासेस लेती थी। जब भी वो शहर में होती थी शी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट टू कॉल हर स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम विद देम। और जब वो ट्रैवल करती थी तो आगे जाके फर्स्ट फ्यू इयर्स नहीं लेकिन उनके साथ ट्रैवल करके उनको तानपुरा कंपनी के टाइम उनको ऑब्जर्व करके भी बहुत सीखने को मिला। लाइक सामने बैठ के तो खैर सीखते ही हैं लेकिन जस्ट बाय बीइंग विथ हर एंड सीइंग हर ऑब्जर्विंग हर बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके काफी प्रोजेक्ट्स भी चालू रहते थे जैसे सूरदास का प्रोजेक्ट था, राग रचनांजलि प्रोजेक्ट था, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स में भी असिस्ट करके उनको हमें बहुत सीखने को मिला। और वो हम पे जिम्मेदारी देती थी ताकि तुम सीख पाओ। सो आई थिंक दैट वाज रियली अमेजिंग ऑफ हर कि वो अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से ट्रेन करती है कि टू बी अ कम्प्लीट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ही नहीं मैं तो कहूंगी टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग क्योंकि हम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है गुरु का। तो आई वॉज रियली आई एम स्टिल रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टू बी इन कंपनी ऑफ समबडी लाइक अश्विनी ताई। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इतने महान कलाकार के साथ संगीत सीखना, उनकी उनके संरक्षण में रहकर सीखना कितना अलग कलाकार बनाता है, क्या कुछ नया इंकल्केट होता है, क्या कुछ अलग नजरिया मिलता है संगीत को समझने का। अश्विनी ताई हमें हमेशा उनके सभी स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करती थी कि कुछ हमेशा नया सीखते रहो, नया गाते रहो, नया करते रहो। कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, अच्छे कॉम्पिटिशन्स में। तो वैसे ही ऑल इंडिया रेडियो के कॉम्पिटिशन्स में उनके सभी स्टूडेंट्स हिस्सा लेते थे। तो होता है कि हर आकाशवाणी केंद्र से दो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट दैट सेंटर एट दिल्ली। तो दो राग गा के 15-15 मिनट के रिकॉर्डिंग्स हम भेजते हैं, फिर वहां से सिलेक्शन होता है और फिर अल्टीमेटली इंडिया से फिर से दो लोगों का सिलेक्शन होता है गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए। तो जब मैंने अपीयर किया था मैंने राग केदार और राग जय जयवंती गाया था, मुझे अभी भी याद है बिकॉज गणपति के दिन थे जब हमारे प्रिपरेशंस चल रहे थे जोरों से और गणपति के दिन भी हमारे घर में गणपति था लेकिन और अश्विनी ताई भी नहीं नहीं तुम्हें आना है और हमने उन्होंने उसमें भी टाइम निकाल के हम स्टूडेंट्स को सिखाया था एंड शी टुक ऑल द एफर्ट्स टू एनकरेज अस ऑलवेज। और उसी का फल उसी उन्हीं के ब्लेसिंग्स के वजह से हम सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्राइजेस मिले हैं ऑल इंडिया रेडियो में। तो आई एम ऑलवेज एवर सो ग्रेटफुल फॉर हर फॉर पुशिंग अस। हमारा शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर गुरु कम्प्लीटली विद कम्प्लीट सरेंडर। बट इन एडिशन टू दैट कभी कभी कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे भी होते हैं जब भी आपको क्यों या वाय ये सवाल पूछने पड़ते हैं। और अश्विनी ताई ऑलवेज एनकरेज दैट प्रोसेस कि पहले तो शुरू में थोड़ा डर लगता था बट जैसे एक बार कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया तो शी यूज टू एक्सप्लेन ऑल आर क्वेरीज कंसर्न्स क्वेश्चंस, यानी डर नहीं लगता था उनसे सवाल पूछने के लिए या उनको कभी कभी इवन कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इवन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमें कुछ सीखना हो सके उससे। तो शी यूज टू ऑलवेज एनकरेज दिस प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस, आस्क द राइट क्वेश्चंस। और इससे मुझे तो बहुत बहुत सीखने मिला। और अश्विनी ताई स्पेशली कि सिर्फ ये करो जस्ट नॉट द वॉट ऑफ म्यूजिक बट ऑल्सो द
हाउ एंड वाई ऑफ म्यूजिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, तो आई लव द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विथ हर। और अभी यहाँ रह के जब साल में एक बार ही मिल पाते हैं तो आई रियली मिस हर अलॉट। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, मैंने आपको देखा कि आपने पढ़ाई भी अच्छी खासी की हुई है और अश्विनी जी की पहचान भी यही है कि वो एक बहुत बड़ी कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत बड़ी म्यूजिक स्कॉलर भी हैं, उनकी किताबें आ चुकी हैं, तो कहीं आपका भी ऐसा इरादा तो नहीं है कि आने वाले समय में आप म्यूजिक स्कॉलर भी हो और साथ ही साथ जो आपका प्रोफेशन है वो तो चलता ही रहे? जैसे काफी आर्टिस्ट को घर से म्यूजिक मिलता है, वैसे मुझे घर से अकाउंट्स और फाइनेंस मिला, तो मेरे आई और बाबा दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो बचपन में मैं जब टीचर टीचर खेलती थी तब भी फाइनेंस पढ़ाती थी, तो इस सिलसिले में दे ऑलवेज एनकरेज मी टू परस्यू म्यूजिक कि तुम जाओ ट्रैवल करो, अश्विनी ताई के साथ समय बिताओ और फिर जब भी एग्जाम हो तभी थोड़ा समय हमें दे देना, सो वी कैन ट्रेन यू एंड यू कैन टेक द एग्जाम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स और ओवरऑल पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। और अश्विनी ताई हरसेल्फ, लाइक यू सेड, वो इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि उन्होंने भी कभी ऐसे नहीं कहा नहीं सिर्फ म्यूजिक करना है बाकी सारा छोड़ देना है, सो शी ऑल्सो एनकरेज अस टू अगर हो सकता है तो कर लो साइड बाय साइड, यू शुड ऑलवेज नॉट लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन। और हम लोग उन्हें पूछते भी थे अगर म्यूजिक ही करना है तो क्यों करना है एजुकेशन, फिर क्या उसका फायदा क्या है, तो बोले वो हमें हमेशा समझाती थी कुछ ऐसे फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, इट गुड एजुकेशन ऑलवेज एनहांसेस योर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, और उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी है कि ना कि हर चीज का कुछ इट शुड ट्रांसलेट इन टू सम मॉनिटरी और फाइनेंशियल फायदा, तो ये सीखना मिला उनसे घर से, तो आई वॉज एबल टू डू मास्टर्स, मेरा एम कॉम हो गया, फिर सी एफ ए किया, अभी करंटली मैं सी पी ए भी कर रही हूँ जो यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, तो आई थिंक इफ देर इज अ वेल देर इज अ वे। अगर मैं आपसे अजपा जाप ना सुनूं तो फिर तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फैंस हैं, उनके लिए जाती होगी, तो कुछ लाइनें अजपा जाप जपो भाई साधो। भाई साधो अजपा
जाप जपो भाई साधो, भाई साधो, भाई साधो, भाई साधो, भाई साधो। कुछ दिन पहले रागगिरी के इसी मंच पर मैं निराली का एक इंटरव्यू कर रहा था, और निराली की और आपकी एक जुगलबंदी ही दरअसल वो जरिया बनी थी जब मैं आप दोनों कलाकारों को जान पाया। तो वो बंदिश आपके मुंह से एक बार जरूर सुनना चाहेंगे। अब सुनत तान तो आप सुन चुके हैं यूट्यूब पे निराली जी के साथ में मिलके जो बनाई थी वीडियो। तो अश्विनी जी की ही एक और बंदिश जो मुझे बहुत अच्छी लगती है राग बागेश्वरी में है, तीन ताल में, तो वो सुनाने की कोशिश करते हैं। छेड़ो ना शाम मोहे, तुम 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 छेड़ो ना शाम मोहे, कर जोरत बिनती करत पनिया भरन मोहे जाने दे, छेड़ो ना शाम मोहे, तुम छेड़ो ना शाम मोहे, तुम छेड़ो ना शाम मोहे, कर जोरत बिनती करत पनिया भरन मोहे जाने दे, छेड़ो ना शाम मोहे, लाज ना तनिक तो है आवत, लाज ना तनिक तो है आवत, लाज ना तनिक तो है आवत, मोरी सोनी लज ढीत लंगर तो है दूंगी गारी दे, छेड़ो ना शाम मोहे, तुम छेड़ो ना शाम मोहे, तुम छेड़ो ना शाम मोहे, छेड़ो ना शाम मोहे, छेड़ो ना शाम मोहे। अच्छा, मैंने जब आपका प्रोफाइल पढ़ा, आपके म्यूजिक के सफर को पढ़ा अभी तक के, आपके यूट्यूब चैनल को देखा, तो मैंने पाया कि आप एक तरफ शास्त्रीय जो शुद्ध संगीत है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ वेस्टर्न में बहुत सारे कोलैबोरेशन आप करने किए हैं, वेस्टर्न संगीत से आपने कोई परहेज नहीं किया है, तो ये दोनों जो चीजें हैं इनका संतुलन किस तरह से आप बनाती हैं, किस तरह से तय करती हैं? मेरी काफी अच्छी दोस्त और कोलैबोरेटर है डॉक्टर रीना एस्मायल, तो वो मुझसे सीखने लगी हिंदुस्तानी म्यूजिक अगर 2014 में, और एक दो साल तो हम सिर्फ सीखने के लिए मिलते थे या कभी चाय कॉफी पी लिया एक साथ। लेकिन एक बार बड़ा सिली सा सवाल मैंने ही पूछ लिया उससे एक दिन कि अच्छा तुम पियानो बजाती हो ना, तो मैं कुछ गाती हूँ उसके साथ बजाओ। लेकिन तभी उसने मुझे समझाया कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक ऐसे इम्प्रॉम्प्टू, जैसे जैज म्यूजिक तो खैर अलग है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे इम्प्रॉम्प्टू कोई कुछ नहीं बजाता है, तो देर इज अ शीट ऑफ म्यूजिक, उस पे सारे नोट्स पहले से लिखे हुए होते हैं एंड देन यू प्ले दैट।
और तभी एकदम मेरे दिमाग में ऐसे है कि मुझे ये मालूम भी नहीं है कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक क्या है, तो एक एज अ म्यूजिशियन मुझे बहुत बुरा लगा तभी। और फिर मैंने उससे पूछा कि जैसे मैं तुम्हें हिंदुस्तानी पढ़ाती हूँ, तुम मुझे वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ाओगी क्या? एंड देन वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग लेसन्स, क्योंकि मुझे उसके बारे में सीखने की बहुत इच्छा हुई। और फिर हमने एक साथ ऐसे ही बहुत समय बिताया एक्सचेंजिंग लेसन्स, टॉकिंग अबाउट म्यूजिक कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या चीज एकदम ही अलग है कि बिल्कुल ही उसमें कुछ कॉमनैलिटी नहीं है। तो एज वी वर एक्सप्लोरिंग दिस प्रोसेस, हमने फिर काफी प्रोजेक्ट्स भी किए साथ में। तो अभी हाल ही में एक एल्बम रिलीज किया जहाँ पे स्ट्रिंग क्वार्टेट, मतलब दो वायलिंस, व्योला और एक चेलो, उसके साथ में हमारे सारे ट्रेडिशनल जो कबीर, मीरा, सूरदास जी के भजन हैं और जो अश्विनी ताई ने कंपोज किए थे और हमें सिखाए थे, वो लेके उसका एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट हमने बनाया बियॉन्ड, और वो अभी रिलीज हुआ है टोरो रिकॉर्ड्स पे। सो आई हाईली हाईली एनकरेज एंड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स ऑफ रागगिरी टू गो चेक इट आउट। तो उसमें मैंने अजप अजाप से शुरुआत किया है और फिर लास्ट में अश्विनी जी का ही कबीर पद जो है, कछु लेना ना देना मगन रहना। तो और मीराबाई के भी एक दो हैं, सूरदास जी के भी एक दो भजन हैं। साइली, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले गुजारिश करेंगे कि चूंकि बार बार आपके शुरुआत में इंटरव्यू के जो आपका परिचय हुआ तब से लेकर अभी तक लगातार हम आपके शास्त्रीय संगीत पर बात कर रहे हैं, तो एक कोई शास्त्रीय राग आप हमें जरूर सुनाइए। तुझे पाई सुख
सायली आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने रागिरी के लिए समय निकाला, आप हमसे जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो ये संगीत सफर है वो यूं ही चलता रहे, बल्कि और मजबूती से चलता रहे और आप संगीत की महक यूं ही बिखेरती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।